नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है द स्क्वायर लूप कैरिंग अ स्टडी करंट आई इस प्लेज इन अर्जोंटल प्लेन नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग अ करंट आई वन एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द कंडक्टर एज शोन इन द फिगर सवाल ये द लूप विल एक्सपीरियंस और चार ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन बताना है इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होएगा पहला है नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स अ कंडक्टर दूसरा ऑप्शन है नेट रिपल्सिव फोर्स टुवर्ड्स अ कंडक्टर तीसरा ऑप्शन है नेट टॉर्क एक्टिंग अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर अ नेट टॉर्क एक्टिंग डाउनवर्ड्स नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन नाउ बहुत सिंपल सवाल है बेसिक्स पे जाएगा सिचुएशन uh, ये है कि ये अपनी एक वायर है जिसमें करंट लेट से आईवन यहाँ पे अपने को दिया हुआ है दूसरा यहाँ पे अपना एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है इस प्रकार और उसमें ऐसे करके करंट है आई ऐसे करके का ही करंट इसमें ऐसे जा रहा है नाउ सवाल ये है कि इस की वजह से जो आपका लूप है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा नाउ इस केस में ये बात अपने को पता है कि अगर अपना कोई स्क्वायर लूप या कोई भी एक क्लोज लूप कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस वायर की वजह से कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इस वजह से नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो नहीं होएगा ये बात अपने को और पता है कि अगर अपनी दो वायर हैं उन दो वायर में सेम डायरेक्शन में फोर्स है तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव सॉरी सेम डायरेक्शन में अगर करंट है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स uh, लगता है उस फोर्स की वैल्यू जो आती है फोर्स पर यूनिट लेंथ है उसको हम लिखते हैं म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाई इसको लिखते हैं आप टू पाई आर आर उनके बीच का डिस्टेंस है इस वजह से क्योंकि ये डिस्टेंस आपका डी है इस वायर के ऊपर ये जो आपकी वायर है इसको एक काम करते हैं नाम और दे देते हैं ए बी सी और डी नाउ इस वायर के ऊपर इस डायरेक्शन में लेट्स से एक एफ वन फोर्स लग रहा होगा इस वाली वायर के ऊपर एक एफ टू फोर्स लग रहा होगा इन दोनों वायर के ऊपर आपका नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा इन दोनों क्योंकि इनका डायरेक्शन करंट का परपेंडिकुलर है नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो आएगा सो यहाँ पे आपका एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में यहाँ पे ऑल्ड ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में तो आपका एफ़ टू फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस डायरेक्शन में नाउ क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू या जो आर की वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे कम है इसका मतलब है कि एफ़ वन जो है उसकी वैल्यू आपका मैग्नीट्यूड एफ़ टू से ज़्यादा होएगा सो so, इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो उस नेट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स होएगी तो so, आपका जो एफ़ नेट uh, आएगा उसको आप लिख सकते हैं एफ वन माइनस एफ टू क्योंकि आपका एफ वन ज़्यादा है तो ये नेट फोर्स आपका जीरो से ज़्यादा होएगा तो वो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स होएगी विच मीन्स नेट सॉरी विच मीन्स अ नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर